देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री सुमेंद्र तोमर जी, माननीय मंत्री श्री, माननीय मंत्री श्री दिनेश खटिक जी, लोकसभा सदस्य श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, लोकसभा सदस्य श्री सत्यपाल सिंह जी, राज्यसभा सदस्य श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता कदम जी, उपस्थित सभी अधिकारी, गणमान्य नागरिकगण, यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से क्रांति की इस पावन धरा पर स्थित शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में न केवल इस पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय को उच्चीकृत कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया, बल्कि इसका नामकरण महान सेनानी शहीद धन सिंह गुर्जर कर दिया। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हूं और अभिनंदन भी देती हूं। मुझे बताया गया है कि इस संस्था में अब तक कुल 232 बेसिक व इन सर्विस कोर्स कराकर कुल 24,811 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके लिए मैं संस्था को बधाई देती हूँ। मेरठ जनपद का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई, वह वास्तव में देश की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई। उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धन सिंह को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। मित्रों, भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की वीर गाथाएं विश्व में प्रचलित है। पन्ना धाई से लेकर झांसी की रानी तक की वीरता की कहानियाँ हम अपने बच्चों को सुनाते एवं पढ़ाते हैं। धन सिंह कोतवाल ऐसे वीर क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने मेरठ की क्रांति धरा से आज़ादी के लिए जो बिगुल फूंका था, उसकी आवाज़ पूरे देश तक सुनाई पड़ी थी। धन सिंह कोतवाल जैसी कुर्बानी देने का पुलिस महकम में अन्य कोई उदाहरण नहीं है। कोतवाल धन सिंह की वजह से पूरा पुलिस महकम गर्व का अनुभव करता रहा है। उनका साहस व देशभक्ति आज भी एक मिसाल है तथा पुलिस के लिए एक आदर्श है। देश और प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें तमाम ऐसे वीर नायकों और नायिकाओं का उल्लेख
सामने आया, जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा तो लिया परंतु वे गुमनाम रहे। इस अमृत वर्ष में देशवासियों ने ऐसे वीर सपूतों, महापुरुषों और बलिदानियों को भी नमन किया जो हम सभी के गौरव की बात है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पर जुड़ा रहता है। हमारे भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाग भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतनामय सांस्कृतिक विरासत भी है। हम सब समाज व राष्ट्र की सेवा कर अपने दायित्व का निर्वाह करें। हमारे देश जैसा संविधान अनुशासन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा देश सबसे अच्छा है, सभी नागरिक महत्वपूर्ण हैं। भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए नए भारत के निर्माण के लिए नई नीतियां और योजनाएं बन रही हैं, जिसमें हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसी बातों पर जोर दे रहा है। इससे हमारा देश विश्व में और भी ज़्यादा प्रगति एवं अपने आप में सक्षम एवं आत्मनिर्भर बन सकता है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का आत्मनिर्भर भारत को साकार करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। मुझे विश्वास है कि सभी के प्रयास से हमारा भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। अंत में मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हमारे बीच में बिताई। आप सबको बहुत बहुत बधाई, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उद्बोधन से हम सभी को अनुगत कर रही थी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन।